की दया से परमेश्वर के अनुग्रह हमारे पर अधिक अधिक होने के वजह से ये तीसरे दिन में हम आए हैं शाम तक हम यहां से विदा होने के चक्कर में रहेंगे कितने लोगों को सचमुच में यहां आके कई बातों के लिए दुनिया की कई लोगों के लिए देशों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा मुझे एक नई आशीष और नया बल मिला करके खाने वाले एक जोरदार हालेलुया बोले हालेलुया हमारा इकट्ठा होना ही हमारे लिए ताकत है इकट्ठे होने से हमारा मनोबल बढ़ता है एक दूसरे से मुलाकात करने से बिन बिन जगहों से बिन बिन गांवों से बिन बिन कलिसियाओं से आए हुए लोगों से बेंट करने में हमें बहुत आनंद आता है जरूर इसलिए प्रभु ने कहा जहां रहते हैं वहां जीवन है और आशीष है दोनों है जीवन भी है, भी है। उसका अनुभव करने के लिए आप सबों को परमेश्वर ने सहायता किया हमारे सेवक गण हमारे अगुवे लोग आपको संपूर्ण तरह से मदद करने की वजह से कोई गड़बड़ी बिना कोई झंझट बिना कोई लड़ाई बिना और बच्चों के बीच में भी कोई रगड़ जगड़ बिना हम यहां तीसरा दिन में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया और धीरे धीरे करके हमारी प्रार्थना जीवन का नजर हमारे प्रार्थना जीवन का सीमा हमारे प्रार्थना जीवन की पहुंच जो है और बढ़ते जाता है हम अपने लिए प्रार्थना करने वाले थे फिर परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले थे फिर अपने गांव के लिए खलिसिया के लिए प्रार्थना करने वाले थे अपने गांव के लिए प्रार्थना करने वाले थे धीरे 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 करके हमारे सिमानों को जो प्रार्थना के द्वारा उसको परमेश्वर ने बढ़ाया प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो वे। इस तीन दिन की उपवास प्रार्थना के रखने का बहुत बड़ी कारण बहुत बड़ा कारण यही है कि लोगों को दर्शन लोगों के बोझ देश के प्रति देश की समस्याओं के प्रति महिलाओं के प्रति बच्चों के प्रति जवानों के प्रति और देश की हालत के प्रति और अंधकार की बातों के प्रति ज्यादा बढ़ना है उस विचार को लगातार करने के लिए परमेश्वर ने आज भी इन दिनों में भी सहायता किया हम प्रभु को हृदय से कोटी कोटी धन्यवाद देते हैं हाँ ललिया और आप भी बड़ी उत्साह के साथ बहुत खुशी के साथ बहुत आनंद के साथ साथ देते हुए में शामिल हुए जरूर इन दिन में तापमान इसका मतलब हमारा गर्मी बढ़ेगी करके पेपर में लिखा लाता, अन्य बातों में लिखा था लेकिन उन गर्मियों को हमने तुझ समझ के प्रार्थना में ठहरने के लिए प्रभु ने सहायता किया मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं हाल मैं बीते दो दिन में जिन बातों को आपको सिखाने के लिए कोशिश किया उसको थोड़ा सा याद करते हुए आज प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकता है प्रार्थना क्यों हमारे लिए दिया गया करके मैं आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए चाहता हूं मेरे साथ फिर से उन वचनों को मैं थोड़ा सा दिखा के आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूं लुक रच सुचार इक्कीस अध्याय लुक रच में हम शुरू किए थे इक्कीस अध्याय में जबकि प्रभु ने अंतिम दिनों में संसार के अंतिम दिनों में होने वाली बातों को कहने के बाद एक बहुमूल्य बात को कहा था उसको मैं पहले दिन आपको याद दिलाया उस दो वचन को एक और बार पढ़ेंगे लुक रच उसका इक्कीस अध्याय पैंतीस और छत्तीस पद को फिर से हम पढ़ेंगे इक्यास अध्याय का पैंतीसवा पद को मैं फिर आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं क्योंकि वो सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा और वो फंदे किनारे आ पड़ेगा इसलिए इसलिए जागते रहो लेकिन उसके पहले एक बात को प्रभु ने कहा उसको भी मैं थोड़ा दिखाने के लिए चाहता हूं चौंतीस पद को देखेंगे जागते रहने का मतलब चौतीस पद में यह लिखा है यहां पर लिखा इसलिए सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मत वाले पन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए ओहो, हमारा सावधानी हमारे चिंताएं हमारे खाऊ या खाने पीने के चक्कर में जिंदगी काटने की बातें या सुख विलास में अपने आप को भूल के फीक के पड़े रहने की बातों के जैसा चिंता भी हमारा हृदय को सुस्त कर सकता है सुस्ती में ला सकता है इन चिंताओं को थोड़ा था क्या से हैंडल करो चिंताओं को बोझों को प्रभु के ऊपर डाल दो करके बाइबल बतलाती है क्योंकि वो तुम्हारे लिए ख्याल रखने वाला है वो तुम्हारे बोझ को उठाने वाला है इसलिए अपने बोझ उसी पर डाल दो ये बाइबल की सलाह है हम जब उसकी अपनी बोझ को उसके ऊपर डाल सकते हैं तो चिंता हमें सताने के लिए जगह नहीं देना है क्योंकि चिंता जो है जीवन की चिंताएं अपने आप के लिए जो चिंताएं वो हमारा हृदय को सुस्त बना देगा और क्यों और वो दिन तुम पर फंदे की नई अचानक आ पड़े ओहो केवल मेरे लिए आपके लिए परंतु पृथ्वी में रहने वाले सबके लिए इसलिए पैंतीसवां पद में प्रभु ने कहा पैंतीसवां पद में प्रभु ने इसलिए इस बात को दोहराया अखा सूर्य पैंतीस पैंतीस थर्टी फाइव पैंतीसवां पद में ये क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर... देखि नाई फंदे की नाई उनको खत्म करने के लिए आने के लिए संभव ना है और इसलिए तुम्हें क्या करना है पद को अभी देखेंगे थर्टी सिक्स को देखें इसलिए जागते रहो हो हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने वहां खमा दिया गया है वहां आगे कुछ बातें करके लिखा गया है आने वाली बातों से बचना तो बहुत जरूरी है उसके लिए अपने को सावधान रखो आने वाली बातों से उस फंदे से बचने के लिए अपने को सावधान रखो लेकिन वहां रोको नहीं तुम विश्वासी होने के चलते मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो समस्या आ रहा है उसकी तैयारी में अपने को अपने परिवार को अपने जीवन को अपने जवानों को अपने बच्चों को खड़ा रखने के लिए हमेशा हमेशा योग्य होने के लिए तैयार रहने के लिए बाइबल बतलाती है इसलिए हमें प्रार्थना हमें तैयार करता है करके मैंने आपको कहा हमारी प्रार्थना हमें तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने आगे मैंने इसलिए पहले दिन दिखाया हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे परंतु हमारे चारों तरफ के लोग हमारे समाज के लोगों के लिए हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे बाइबल में इब्राहिम के संतान करके आपको और हमको जब हम यीशु के ग्रहण करते हैं बताया गया क्योंकि वो वो जो है विश्वासियों का बाप क्योंकि अंधे की बातों के ऊपर विश्वास कर सका जब उसका शरीर बुड्ढा हो गया था प्रभु ने कहा मैं तुम्हें संतान दूंगा वो 25 साल इंतजार करने के बाद उसने एक संतान को पाया प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो उसी के संतान हमें हालेलुया <laughs> बीते महीना हमारा भाई आनंद ने एक बहन को बलाऊं गांव से लाया है अच्छा विश्वासी है उन्होंने अपने गवाही में एक बात को कहा भैया भैया मालूम है प्रभु जब मैं प्रभु में आई मेरा आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में है वो प्रभु में अभी तक आए नहीं है मेरे घर वाले प्रभु में नहीं आए लेकिन मैं प्रभु में आई और स्थिर होते गई प्रार्थना करते गई और परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते गई मेरे अवलाद नहीं था संतान नहीं था इसलिए मैं प्रभु से विनती करते रही अठारह साल के बाद इस लड़का को प्रभु ने दिया करके अपने लड़का को दिया हालेलुया मैं उसके विश्वास को देख के चकित हुआ अठारह साल इंतजार की प्रभु मेरे जीवन में जो वायदा किया पूरा करेगा मेरे जीवन में वायदा कर रहा है उसको पूरा करेगा करके वो अपना बेटा कभी लाई थी मेरा कहने का मतलब विश्वास करने के चलते हम इब्राहिम का संतान बने हैं अचानक जब प्रभु से उसकी बेंट हुई प्रभु से बेंट करने के लिए आया उसको हम उत्पत्ति के अठारह अध्याय में पढ़ते हैं अभी पढ़ने के समय नहीं है लेकिन मैं याद लाने के लिए चाहता हूं उसकी भतीजा उसके भतीजा जो सोदों में जाके बस गया है रह गया है वहां जो आग की बारिश सोने वाली है बातों को थोड़ा तो ध्यान से सुनिएगा आग की बारिश आके सोदों को सत्यनाश करने के लिए जब जा रहा है उसको इब्राहिम को परमेश्वर ने पहले बतलाया, प्रभु ने कहा ए मेरा दोस्त है इब्राहिम मेरा दोस्त है इब्राहिम मेरे संग संग चलता है आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो चिथौनी दे सकता है इसलिए मैं उससे बतलाऊंगा करके उससे कहा हे इब्राहिम हे इब्राहिम मैं सोदोम जो पाप से भरा हुआ है पाप जो पूरा हो चुका है उसको सत्यनाश करने जा रहा हूं आग की बारिश गंदे की बारिश को माए बरसाने पुरू करके जब इब्राहिम से कहा परमेश्वर ने यह नहीं इंतजार किया याद रखिएगा, परमेश्वर यह इंतजार नहीं किया या परमेश्वर ने इब्राहिम से जैसा हमसे बातचीत करता प्रार्थना करो करके प्रभु ने कहा वैसा नहीं किया परंतु इब्राहिम जब आने वाली बहुत बड़ी बारिश बहुत बड़ी आग की बारिश होके पूरा शहर पूरा देश खत्म होने पर है उसने चिल्ला के कहा हे प्रभु हे प्रभु क्या वहां पचास लोग होंगे धर्मी जन पचास लोग होंगे क्या उस शहर को आप नष्ट करेंगे प्रभु को जबरदस्ती करके कहना पड़ा नहीं तेरे कहने के अनुसार अगर पचास जन हो जाएगा मैं नाश नहीं करूंगा लेकिन इब्राहिम वहां रोका नहीं उसने कहा अगर पैतालीस हो जाएगा पांच कम हो जाएगा क्या करोगे नहीं करेंगे इब्राहिम वहां नहीं रोका हे प्रभु हो सकता है कि कुछ कारण की वजह से और पांच घट के चालीस हो जाएगा तो प्रभु को सोचना पड़ गया उसकी प्रार्थना परमेश्वर को सोच में डाल दिया ठीक है बाबू तुम्हारे मांगने के अनुसार मा है चालीस सोने से भी नहीं कहूंगा और इब्राहिम ने कहा एक बार बार तीस हो जाएगा तो प्रभु ने कहा तुम परेशान करते हो तुम परेशान करते हो कोई बात नहीं तीस सोने से भी बचा लेंगे इब्राहिम ने कहा सुनिए 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 सर एक बार सुन लीजिएगा बीस सोने से प्रभु को जबरदस्ती के साथ झुका रहा है जो क्रोध से लोगों के पाप जाने के वजह से उनको सत्यानाश करने के लिए उतरा हुआ प्रभु के क्रोध को ठंडा करने के लिए झुकते 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 इसकी बातों को सुनने की जगह पर इब्राहिम ने उनको खड़ा कर दिया और अगर दस हो जाएगा तो अरे तुम तो हमको आखिरी में ला दिया है ठीक है बगल वाले का हाथ पकड़ बोली है आ प्रभु से जितना गिड़ गिड़ाएंगे उतना वो झुकने के लिए तैयार हो जाता है यही हमारा प्रभु है हलो या गिड़ गिड़ा के गिड़ गिड़ा के गिड़ गिड़ा के अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए नहीं परंतु ये देश जो पाप से भरा हुआ है पाप जो है उमड़ के गिर रहा उस देश के लिए इब्राहिम ने प्रार्थना किया इसी प्रकार आप और हम जानते हैं बाइबल बतलाती है एक वचन को पढ़िएगा दूसरा पत्र तीसरा अध्याय दूसरा पत्र का तीसरा अध्याय में हम इस बात को यह देखते हैं बाइबल में साफ बतलाती है क्या लिखा है पांचवा पद को पढ़िएगा और सातवां पद को देखें पांच से लेकर सात तक देखेंगे वे दूसरा पत्र तीसरा अध्याय का पांच पद से लेकर सात पद तक मैं पढ़ रहा हूं वे तो जान बूझ कर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी जल में से बनी और जल में स्थिर है छठवां पद में इन्हीं के द्वारा उस युग का उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया था नू के समय में अभी फर परंतु वर्तमान काल के आकाश जिसका आप और हम देखते हैं पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए वो भक्तिहीन मनुष्यों की न्याय और न सोने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे इस संसार में फिर से ये बार सारे संसार में आग की बारिश होने वाली करके बाइबल बतलाती है इस पृथ्वी जिसको आप और हम देखते हैं ये आकाश जिसमें हम रहते हैं चलाए जाए जब सोम के ऊपर आग की बारिश के बारे में इब्राहिम ने सुना परमेश्वर का व्यक्ति परमेश्वर का दोस्त उसने गिड़गिड़ा के प्रभु के सामने आया इसलिए आने वाली विपत्ति से हम बचने के लिए नहीं हम परमेश्वर के सामने खड़े हो प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें बताया और इसलिए हम इकट्ठे के, के मैं पहले दिन अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता को मैंने सिखाया जो नाश के रास्ता में है सवेरे मैंने आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए बाइबल उत्साहित करके कर, कर, करके हमें सिखाती है करके की का अठारह पद में और युदा के बीसवा पद में से मैं दिखाया और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब क्या है करके मैंने बताया इसलिए हमारे मेरे होंटो में अन्य अन्य भाषा को बोलने के ताकत को दिया है थाली बजा के परमेश्वर को देने के इन दोनों बातों को मैंने कल और परसों आपके सामने पेश करने के लिए कोशिश किया ताकि आप प्रार्थना की महत्व को प्रार्थना की जड़ को प्रार्थना की गुण बातों को समझ सके मैंने बीच बीच में कल इस बात को कहा था हम प्रार्थना में साधारण भीख मंगा कि नहीं, हम अपने केवल कपड़ा पसारते हुए रहने के लिए नहीं आते हैं परंतु प्रार्थना एक मल युद्ध है इस बात को भी भूलना नहीं प्रार्थना क्या है कल मैंने सिखाया प्रार्थना कैसा करना है आत्मा में होके पवित्र आत्मा हमारे द्वारा होके प्रार्थना करने के लिए कैसा जगा देना है लेकिन मैं आज आपको आपके सामने इस बात को रखने के लिए मैं चाहता हूं प्रार्थना मलयुद्ध है क्या भैया हम तो लड़ाई झगड़ा सब छोड़ के प्रभु के पीछे आए शांत रहने के लिए आए हैं हमारे नक्सली दोस्त लोगों से जब बेंट होती थी रोहतास पहाड़ में बड़े बड़े अगवे बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े उनका कैप्टन से मेरी मुलाकात होती थी मैंने उनसे कई बार इस बात को पेश किया था क्या पेश किया था कि भैया हम तो गरीबों को मदद करते हैं झुके हुए लोगों को सीधा करते हैं टूटे हुए लोगों की आशा का बांधते हैं हम लोगों को के उनकी खूबियों को दिखाते हैं उनको बच्चों को मदद करने के लिए कोशिश करते हैं क्यों आप हमारे विरोध में हैं? मैंने नक्सलियों से ये पूछा था मैंने कई नक्सलियों से यह पूछा था अगुए से यह पूछा था आप जब कहते हैं हम लोग अमीरों को खत्म करके गरीबों को खड़ा करने के लिए और जो सताए जाते हैं जो थोड़े जाते हैं जो दबाए रहते हैं उनको उठाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं बंदूक के पल पर आप कोशिश करते हैं लेकिन हम प्रेम के बल पर परमेश्वर की ताकत के बल पर जब इस बात को कोशिश करते हैं आप क्यों हमारे विरोध होते हैं हमारे लोगों को क्यों फिटते हैं हमारे लोगों को किसी गांव में जाने से क्यों रोकते हैं हमारे लोगों को धमकी क्यों देते हैं करके जब उन नक्सलियों से मैंने पूछा था उन्होंने एक ही जवाब दिया क्या जवाब दिया पहले जब वे लोग जो आज आपके पास चले हैं पहले जब आपके साथ हमारे साथ थे बंदूक धरने के लिए तैयार हो जाते थे हम कहने से मारने के लिए तैयार हो जाता लेकिन आपके पास आने के बाद वो नरम हो गए हैं वो शांत हो गए हैं उनकी दीवीर दिवीरता उनकी क्रोधता उनका बहिर्भाव सब ठंडा पड़ गया इसलिए आपको मैं छोड़ना चाहता हूं ये जरूर है परंतु आप कहेंगे हम मैं बहुत क्रोध करने वाला था लेकिन यीशु के पास आने से क्रोध मिट गया पहले मैं ऐसी वाला था लेकिन अभी मैं मलाइम हो गया हो गया। और प्रभु ने कहा मुझसे नम्रता को सीखो मैं सीख लिया लेकिन आप कह रहे हैं प्रार्थना एक मलयुद्ध है मैंने एक दो वचन को कल भी सिक्खा दिखाया था आज उसकी थोड़ा सा गहराई में आपको ले जाके हम प्रार्थना करने समय एक मल युद्ध में चले आते हैं करके आपको मालूम होना जरूरी है साधारण एक मंगा की हम प्रभु के पास नहीं आते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए जब खड़े हो जाते हैं हमारा एक बहुत बड़ा मल युद्ध है इसलिए फौलूस रोमियो कलिसिया जिसको उसने देखा नहीं उसको रहा था रोमियो रोमियो की पंद्रवा अध्याय वहां पर वो एक शब्द को इस्तेमाल करता थोड़ा सा देखिएगा रोमियो पंद्रवा अध्याय में वहां एक बात को पौलुस लिखता है बत्तीसवा पद रोमियो की पत्री, उसका पंद्रवा अध्याय उसका बत्तीसवा पद हिंदी में यहां से पढ़ेंगे अमा परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊ तेनतीस पद को भी देखेंगे थर्टी थ्री सॉरी थर्टी वन इकतीस को देखेंगे इकतीस को देखेंगे मैं यहूदिया के अविश्वासियों बछा रखू रहू एक और पीछे तीसवां पद यहां पर हिंदी अनुवाद में वो शब्द चुटा है उसको मैं बतला रहा हूं वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर और हम प्रार्थना में लड़ रहे मेरे साथ तुम भी लड़ो प्रार्थना एक युद्धा है प्रार्थना एक लड़ाई है तो आप पूछेंगे किस से लड़ने के लिए कल मैंने उस वचन को दिखाया था एक और बार उसको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं यो की पत्री उसका छे है, जिसको बार बार हम सोचते हैं उसको हम थोड़ा देखने के बाद आगे बढ़ेंगे यीशियों की पत्री उसके छे अध्याय उसका, दिया है। उसका सत, दस पद से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं दस पद से लेकर ये की पत्री उसका छह अध्याय दस से लेकर निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो क्यों प्रभु में और उसके शक्ति में हमें बलवंत बनाने के लिए क्या कारण है ग्यारवा पद में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो अरे भैया हथियार बांधने के लिए कहा गया बाइबल? कौन सा हथियार है कि तुम सैथान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको सैथान कई प्रकार की युक्तियों को रखता है उसके सामने खड़े रहने के लिए हमें परमेश्वर की हथियार को बांधने की आवश्यकता को बाइबल बतलाती है एक और मुख्य बात को पौलूस यहां लिखता क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा हम एक मलयुद्ध में हैं मलयुद्ध में हैं शैतान की सलाखी के विरोध में शत्रु के नाना प्रकार के हथियारों को ढाने के लिए हम मलयुद्ध में हैं कौन शत्रु है आगे लिखता लहू और मान से हमारी लड़ाई नहीं परंतु प्रदानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है आकाश में जो फाइ जाती है ये अंधकार की ताकतें जो मनुष्यों के गिराने के लिए मनुष्यों को पाप में डसाने के लिए डुसाने के लिए और मनुष्यों को पाप करते करते परमेश्वर के क्रोध को बढ़ाने के रास्ता में ले जाने वाले उन अंधकार की ताकतों के विरोध में खड़ा होने का एक मल युद्ध है इसका मतलब प्रभु ने हमें हथियार बांधने के लिए कहा लेकिन हमारा हथियार कैसा है उससे पौल से पूछेंगे ये भैया आपने लिख दिया हथियार बांधने के लिए कैसा हथियार भैया उसको थोड़ा सा हमको दिखा दीजिए बता दीजिए करके कहेंगे वो तुरंत कहेगा दूसरा कुरुंथियोम उसका दसवां अध्याय का चार पद को देखिएगा दूसरा कुरुंथियो उसका दसवां अध्याय का चार पद उसको थोड़ा देखेंगे दूसरा क्रुनियों दसवां दिया का चार पद में लिखा क्योंकि सब कोई बोले हमारी लड़ाई के हथियार हमारे लड़ाई के हथियार बहन लोगों का आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा हमारे लड़ाई का हथियार लाठी बंदूक नहीं है नहीं है हमारे लड़ाई है बच्चन के विश्वास करने वाले हाल बोले विश्वास एक एक विश्वास इसको समझना हम एक लड़ाई में हैं हम एक मलयुद्ध में हैं लेकिन काली हाथ नहीं है हमारे पास हथियार रहना चाहिए यहां पौलुस कहता हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु अगर शारीरिक नहीं है प्रे क्या है परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है थाली बजा के परमेश्वर कह दे रहे हैं बड़े बड़े गढ़ों को ढा देने के लिए बड़े बड़े गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर हमें एक हथियार दिया है और उस हथियारों में कुछ बातों को मैं आपके सामने पहले रखने दीजिएगा क्योंकि समय की मन में रखते हुए इन बातों को मैं आपको जल्दी जल्दी सिखा रहा हूं धीरे धीरे सिखा रहा हूं ताकि साधारण से साधारण विश्वासी प्रभाई भी या बहन भी समझ सकें सबको मन में रखते हुए मैं इस बात को बोलता हूं हमारे पास हथियार है हम एक लड़ाई में हैं हम एक मलयुद्ध में हैं ये वचन से मैंने आपके सामने पेश किया जब हथियार है तो वो हथियारों के बारे में अगर पूरे बाइबल में इसे देखेंगे अगर आप पूरे नया नियम को कम से कम पढ़ेंगे आप कई बातों को देख सकते हैं उसमें मैं कुछ बातों को मैं पहले बतलाऊंगा कि पहला हमारा हथियार लड़ाई के हथियार पहले प्रार्थना है सब कोई बोले अपना हाथ उठा के एक उंगली उठा के हमारे लड़ाई का हथियार पहले प्रार्थना है दूस, द, दूसरा उंगली को उठाइएगा दूसरा स्तुति और आराधना है तीसरा परमेश्वर का वचन है जो तलवार है परमेश्वर का वचन है जो तलवार है इसलिए हम वचन की सेवा करते हैं सौता हमारी गवाही है पांचवा प्रभु यीशु मसीह का लहू है छठवा प्रभु यीशु मसीह का नाम है फिर से मैं बोलने जा रहा हूं आप मन में लिख लीजिएगा इन सारी बातें आपके मन से हटना नहीं है हमारे लिए हथियार दिया गया है हथियार दिया गया है हथियार दिया गया फिर से हाथ उठा के नंबर वन क्या है बोलिए सबको प्रार्थना दूसरा स्तुति और स्तुति और आराधना जो हमारे खंड से हृदय से निकलने वाली उस स्तुति और आराधना तीसरा परमेश्वर का बच्चन जो दो दारी तलवार है हालेलुया और चौथा हमारे जीवन की गवाही हमारे जीवन की गवाही पांचवा क्या है मसीह का लहू और पांच प्रभु का नाम बढ़िएगा उस वचन को थोड़ा देख लेंगे उसके बाद मैं आगे आपको ले जाऊंगा प्रकाशित उसका बारह प्रकाशित वाक्य उसका बारह अध्याय में उन बातों के बारे में बाइबल सफाई से हमें दिखलाती है उसको हम पढ़ेंगे ग्यारह पद को वहां सैथान लड़ने के लिए वहां पर तैयार है और वहां पर ग्यारह पद में परमेश्वर हमें दिया हुआ उस बात को कहता वे इसका मतलब परमेश्वर के लोग हैं उनको मेमना के लहू के कारण मेमना मतलब प्रभु ये सुमसी जो मेमना के रूप में अपने आप को एक निर्दोष बलि चढ़ाया उस लहू के कारण अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जायवंत हुए हालेलुया <laughs> तो हमें ये छह हथियार जिसके बारे में मैं विस्तार रूप में खाने के लिए जगह नहीं है समय नहीं है परंतु मैं आपसे कहूंगा अब यहां से लौटने समय अपने पास्टर साहब को बुला के पास्टर साहब पास्टर साहब भैया ने बड़े भैया ने ये कहा है कि हम लोगों को छह हथियार दिया गया है उन्होंने एक ही बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया है लेकिन बाकी पांच बातों को आपको सिखाना होगा बैठा दीजिएगा घर में आने से गपसप मत मारिएगा, हाँ उनको बोलिएगा सिखाइए हमको आराधना के द्वारा क्या हो सकता है सिखाइए ये मसीह के लहू में क्या सामर्थ्य सिखाइए ये मसीह के नाम के द्वारा या लहू के द्वारा जो विजय है उसको सिखाइए वचन में जो ताकत है उसको सिखाइए करके घर में जब पासवान लोग आपका पास्टर लोग आएंगे या बाइबल मैन बाइबल रहमान आएंगे उनको उनसे पूछिएगा अगर वे जवाब नहीं देते चलिए हम लोग अपने लीडर के पास जाएंगे अपने एरिया लीडर के पास जाएंगे अपने जोनल लीडर के पास जाएंगे हम लोग तो को सिखाइए हमारे परिवार को सिखाइए हमारी कलिसिया को सिखाइए करके उनसे सीखने के लिए इंतजार कीजिएगा ठीक मैंने छह बात को आपके सामने रखा था उसमें से एक बात जो है प्रार्थना है प्रार्थना हमारे लिए हथियार के काम कब करता है उसको मैं थोड़ा सा इस सवेरे के समय आपको दिखाने के लिए चाहूंगा ताकि आप इस गुप्त बात को समझ सकें शायद आप ये सोचते होंगे परमेश्वर मांगने वाला को देता है परमेश्वर को गुण के चलते और उससे भी बढ़कर एक और बात को मैं आपके दिमाग में बैठाने के लिए चाहता हूं थोड़ा ध्यान से उसके ऊपर मन लगाइएगा में जब कलिसिया की शुरुआत हुई थी संख्या बढ़ते गया जिसके बारे में शाम को थोड़ा बहुत आपको बतलाने के लिए जाऊंगा शाम के समय आप जाने के पहले उन गुप्त बातों को आपके सामने रखूंगा परंतु उसके पहले मैं इस बात को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं जब खलिसियां खलिसियां बिल्कुल संख्या में बढ़ते गया दिन में तीन हजार लोग आए थे फिर ये एक लंगड़ा आदमी ठीक होने से और पांच हजार लोग आए थे फिर वहां जो झूठ बोलने वाले मर जाने की वजह से और लोगों की संख्या बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया जरूर क्लेश आया उपद्रव आया आए और उन सारी बातों से खलिसिया फैल गई जब इस प्रकार की उपद्रव जब इस प्रकार की परेशानी जब खलीसिया को छूने लगा तो वहां उस समय का उस रोम सरकार के तरफ से एक राजा ठहराया गया जिसका नाम हेरो उस हेरोदेस ने एक सोचा कि हमें एक काम करना है ये आंदोलन ये मसीह लोगों का आंदोलन ये मसीह लोगों की ताकत बढ़ते में देख नहीं सकता हूं करके, उसने एक काम किया प्रेरितों के काम बाराध्याय प्रेरितों के काम बाराध्याय का पहला पद को देखेंगे प्रेरितों के काम बारह पद का पहला और दूसरा पद को देखेगा इस वातावरण में जबकि कलिसिया परेशानी में होके जा रही थी उस वातावरण में इसलिए लिखा उस समय हेरदेश राजा ने कलिसिया के व्यक्तियों को दुख देने देने के लिए उन पर हाथ डालें ध्यान से सुनिएगा सोचा ये संख्या बढ़ते जा रहा इनके लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं को हम छोड़ेंगे नहीं करके उनके ऊपर अपना हाथ डाला और कलिसिया उसको के घबरा गई थी जरूर खलिसिया उसके देख बिल्कुल भीतरे भीतर उनको खांप उठने के उठना पड़ा और जब ने देखा कोई हमारी बातों का विरोध नहीं कर रहा है सुनिएगा हमारी बात को कोई विरोध नहीं कर रहा है जबकि मैं कलिसिया के खास लोगों को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर अपना हाथ लगाता हूं मारता हूं जेल में डालता हूं किसी किसी के मुआ देता हूं कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है क़लिसिया के लोग शांत है क़लिसिया के लोग चुप है वे तो विरोध नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे मुलायम रहते हैं इसलिए विरोध नहीं कर पाते हैं करके ने सोचा और एक काम में हाथ बढ़ाया दूसरा पद में उसने युहन्ना के भाई जो यीशु मसीह के बारह चेलों में से एक था याकूब को तलवार से मरवा डाला से सुनिए बातों को जब हेरदेश अन्य लोगों के ऊपर छोटे छोटे अगुओं के ऊपर चर्च काउंसिल के मेंबर एरिया लीडर वुमन लोकल का पास्टर इन लोगों के ऊपर अपना हाथ डाल के उनका दबाने लगा कोई आवाज कलिसिया के तरफ से नहीं कोई रिएक्शन नहीं प्रतिक्रिया नहीं इसलिए ये ने सोचा ऐसा करने से ये लोग तो शांत हो जाते हैं और शांत कराएंगे करके बारह प्रेरितों में से एक जन को उसने तलवार से मार डाला तबे खलिशिया जाग उठी तबे खलिसिया को आई ध्यान से सुनिएगा तबे खलिसिया जो है सोचने लगा अरे ये क्या हो रहा है और इसके दौरान तीसरा पद में वो लिखा है तीसरा पद में और जब उसने देखा राजा हरदेश ने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं बहुत खुश हैं इसलिए ये काम करेंगे इनका प्रधान प्रेरित जो पत्रस है उसको पकड़ लेंगे उसको भी याकूब की नाई खत्म करेंगे करके उसने सोच के पत्रस को पकड़ लिया और वे दिन आखिरी रोटी के दिन थे इस अध्याय को घर में जाके आप एक और बार पढ़ें आप पढ़े होंगे जब पत्रस के ऊपर हाथ रखने की बातें आई खली के अंदर एक जागृति आई कौन सी जागृति आई याकूब मार डाला अभी पत्रस ओ ये शत्रु का कार्य है ये शत्रु का कार्य है लेकिन हमारे लिए दिया हुआ हथियार को हम अभी इस्तेमाल करना है करके वे तुरंत रात में ये घर में इकट्ठे होके प्रभु के ओर प्रार्थना करने के लिए लवली हुए ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें बारहवां पद को देखिएगा बारह बारहवा पद को वहां पर देखिएगा जबकि का मृत्यु दंड देने का समय आया वो वहां पर लिखा है वहां बहुत लोग इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे थे अब ये कलिसिया को महसूस हो रहा है हम हथियार को रखे हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हमारे लिए दिया हुआ हथियार प्रार्थना का हथियार है हम इसको अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने व्यक्ति को जब राजा पकड़ के ले गया जंजरों में बांध के रखा और जेल खाना में डुसा के रखा हम अपना हथियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हमारा हथियार इस संसार के हथियार के नहीं जैसा नहीं है हमारा हथियार गड़ों को ढाने वाला हथियार है जो आत्मिक हथियार हम सबों को दिया हुआ है हालेलुया उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उसको किनारे रखे हैं उसको किनारे रखे हैं आओ हमला उठाएंगे प्रार्थना मिलके करेंगे प्रार्थना करने के द्वारा खलीसिया जब मिलके प्रार्थना करने लगा अपना हथियार जो प्रार्थना जय में से हथियार को आपके सामने रखा था उसमें से एक हथियार को उन्होंने अपना हाथ में उठा के रात में घर में रात भर में प्रार्थना करने के लिए जुट के प्रभु के ओर था अपनी प्रार्थना को बढ़ा रहे हैं एक काम हो रहा अभी अध्याय इंटरेस्टेड में इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है अभी अध्याय के अंदर एक बात हो जाता है स्वर्ग हिलाए जाती है स्वर्गदूत एक्टिव हो जाते हैं बगल वाला का हाथ पकड़ के चेहरा दे के बोलिए जब मिलके आप प्रार्थना करते हैं स्वर्ग हिलने लगता है स्वर्गदूत एक्टिव हो जाते हैं स्वर्गदूत कामयाब हो जाते हैं स्वर्ग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप में से एक जन पूछ रहा हो भैया हम प्रार्थना करते हैं लेकिन आप कहते हैं स्वर्गदूत काम करने शुरू करता है स्वर्गदूत क्यों हमारे लिए स्वर्गदूत काम करता है एक वचन का पढ़ के फिर मैं यहां आऊंगा एक वचन के हल हलू आपकी प्रार्थना साधारण नहीं है आप समुदाय के रूप में परिवार के रूप में आप छोटे छोटे खलिशा के रूप में जब इकट्ठे होके प्रार्थना करने लगते हैं स्वर्ग में एक हलचल मच रहा है कारण क्या है स्वर्ग दूतों के बीच में हलचल मच रहा है परमेश्वर के दूतों के बीच में एक हलचल मच रहा है कारण क्या है उसको पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री उसका पहला ब्याह है इब्रानियों की पत्री उसका पहला विवाह है आखिरी पद को पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री उसका पहला दिया आखिरी पद में यो लिखा है वे क्या वे वे मतलब यहां स्वर्गदूतों के बारे में लिखे गए हैं अगर उस अध्याय का आगे पीछे पढ़िएगा तो वहां पर लिखा वे वे स्वर्गदूत सबसे टहल वा करने वाली आत्माएं नहीं है इसका मतलब स्वरदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए स्वरदूत सेवा टहल करने वाले आत्माएं हैं ठीक किसके लिए सेवा टहल करेंगे भैया किसके लिए सेवा टहल करेंगे क्या परमेश्वर का मसाज करेगा परमेश्वर का हाथ दबाने के लिए काम करेगा उसका सेवा टहल करने का क्या काम है किसके लिए रखा गया है मैं पढ़ रहा हूं उसका जो उदार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा आप उधार पाने वाले हैं कोई कहता उधार तो हम पाए हैं उदार पाए हैं लेकिन हमारा शारीरिक उदार अभी नहीं हुआ है ये सो आएगा तब शारीरिक उदार हो जाएगा हमारा शरीर बदल जाएगा हम रूपांतर हो जाएंगे वही उदार पाने वाले हैं बगल वाला का खिला के बोलिए आप उदार पाने वाले हैं आपका शरीर उदार पाने वाला है आप रूपांतर में आने वाले हैं इस आदमी को जो उदार पाने वाले हैं स्वर्गदूत सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। स्वर्गदूत अगर सेवा करने के लिए भेजे जाना है उसका हथियार क्या है उसका हथियार क्या है मिल के प्रार्थना करने के सवाल विश्वास करने वाला दोनों हाथों को के एक जोरदार खा लिए बोले कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को टहराया yeah! मेरे लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को टहराया <laughs> मेरे लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को टहराया मेरे लिए सेवा करने वाला <ले>? खलीसिया इसको हाथ नीचे कर लीजिए खलीसिया इसको समझती नहीं इसलिए प्रभु ने उस वातावरण में उनको दखेल दिया वे रात भर प्रार्थना करते हूं उस अध्याय में मैं ज्यादा जाने के लिए समय नहीं है लेकिन मैं ये खास बात को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं जब स्वर्गदूत के काम करने के लिए मन आया तुरंत वहां से उताराया अभी प्रेरितों के काम बारह अध्याय का आप देखिएगा सातवां पद प्रेरितों के काम बारह का सातवां पद वहां पर एक बात प्रार्थना इधर हो रहा है पत्रस जेल का नाम में बंद है सिपाहियों के बीच में जंजुरों से बांधा हुआ है तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ तो उस कोठरी में ज्योति चमकी अंधकार मिट गया और उतने फस्तरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठो फूर्ती कर उसके हाथ से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी आप जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपना स्वर्ग दूत को विदा करेगा एक दूध आपको बंधन में पड़े हुए एक बहुत बड़ा सेवक को छूने से उसके हाथ से जंजीर टूट जाता है यह आपका प्रार्थना का नतीजा है यह आपके हथियार इस्तेमाल करने से स्वर्ग हिल जाता है स्वर्ग दूध काम में लगने लगते हैं स्वर्ग दूध में अपने को सौंपते हैं उस अध्याय के पढ़िएगा जो है उसको पकड़ के तीन पहरा को पार करके बाहर आके छोड़ के देखते हैं प्यारो डू यू वॉन्ट टू एक्टिवेट हेवन डू यू वॉन्ट टू एक्टिवेट द वर्क ऑफ द एंजल्स क्या सब के खामिया में लाने के लिए चाहते हैं जो आपके लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर ने रखा है वो सेवा टहलने के लिए आपको सेवा देने के लिए परमेश्वर ने इतना क्रोरों क्रोर स्वर्गदूतों दूतों रखा है वो सेवा कब कर सकता है जब आप मिलके प्रार्थना करते हैं वहाँ स्वर्ग खिलाया जाता है वहाँ से स्वर्ग आके अपना कार्य करने के लिए तैयार होते हैं हाललुया 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 यहाँ रुखा नहीं है ये यह अध्याय यह यह अध्याय यहाँ रुका नहीं है इस अध्याय आगे आगे इस काम में भी जाता है बारह अध्याय के आगे देखिएगा वहां पर जिस राजा ने पत्रस को बांधने के लिए काटने के लिए पूरा उपाय लगाया आधा काम कर भी चुका था आओ वही राजा क्या हालत में है पढ़िएगा वहां पर प्रेरितों के काम बारह का इक्काश पश्चा लेकर पढ़िएगा और ठहराए हुए दिन हेरदेश राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा बाईसवा पद लो फुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है देखा गया उसी प्रभु का एक स्वर्गदूत फिर स्वर्गदूत उसी अध्याय में जब कलिसिया प्रार्थना करने लगी न केवल पत्रस का के छुटकारा, आ रहा परंतु पत्रस को खत्म करने के लिए जिसने योजना बनाया उसके बारे में बाइबल बतलाती है उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की वो कीड़े पड़कर मर गया <laughs> बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिएगा स्वर्गदूतों का काम में लाइएगा स्वर्गदूतों का काम में लाइएगा जो आपके लिए जो आपके परिवार के लिए उदार पाने वालों के लिए सेवा ढहलने के लिए परमेश्वर का प्रबंध है कितने लोग सचमुच में विश्वास करते हैं ऐसा नहीं हाथ नहीं उठाना बोलिएगा सच्चे दिल से मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे लिए है को तैयार करके रखा ताकि वे मेरे लिए सेवा कर सकें जब हम मिलके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है मेरे कार्य को पूरा करने के लिए जो कार्य को मैं कर नहीं सकता हूँ मैं जरा सा भी हिला नहीं सकता हूँ उस कार्य करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को विदा करता है वो कार्य करके उस काम का पूरा करता है जब मैं प्रभु में आया था उस समय मुझे एक घटना जो केरला में हुई है उसके बारे में बतलाया गया हम में से कई लोग नहीं जानते होंगे एक दो जन शायद जानते होंगे उन लोगों के लिए जो अधिक संख्या में हैं, उनके लिए मैं इस गवाही को बतलाने के लिए जा रहा मैं प्रभु में आया था इस प्रचारक से मेरी एक बार मुलाकात हुई उसका नाम मामन क्या नाम है केरला में मामन प्रचारक बहुत उपदेशी उपदेश देने में खड़ा उपदेश करने वाला है प्रभु के लिए दिन रात काम करने वाला है लेकिन उसके घर में नने 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 बच्चे थे उसका परिवार बढ़ा था उसकी पत्नी थी और कहीं भी प्रचार करने के लिए जाएगा जोला धरेगा जोला धर के पत्नी को बुलाएगा आओ, आओ और पूछेगी क्या हुआ मैं प्रचार में जा रहा हूँ इतना दिन लगेगा मैं प्रचार करके लौटूंगा सब ठीक है ना वो बोलेगी हाँ सब ठीक है आप जाइएगा आते वक्त पूछेगा घर के अंदर घुसेगा नहीं बाहर कड़ा होके पूछेगा पत्नी को बुलाएगा ए सुनो जब आएगी आगे हैं बहुत धन्यवाद फ्रेस कहेगी सब ठीक है ना सब ठीक है थबे घर के अंदर प्रवेश करता था एक दिन प्रचार करने के लिए गया तीन दिन की सभा थी तीन दिन सभा का करना खत्म करके वो चले आया पैदल ही चले आया उन दिनों में साइकिल तक नहीं था तो पैदल ही चले आया पैदल चले आने से पत्नी को बुलाया चलो यार चलो जाओ, सब ठीक है बच्चे सब सब ठीक है उसने पांच बच्चे थे पांच बच्चों से वो बोलेंगे बच्चे सब ठीक है सब ठीक है परंतु अरे क्या परंतु हमारे बगीचा जो बीच से पीछे है उसमें केला का दान को कोई काट के ले गया है बहुत लंबा केरला खे, में केला जो है लंबा लंबा होता है बड़ा बड़ा केला होता है उसको कोई काट के ले गया है कब काटा है कौन काटा है मुझे मालूम नहीं इसको गुस्सा है मामन मामन उपदेश को गुस्सा आया बोला सब बच्चा बोला बोला बुला बोला पत्नी को बोला कि घुटना में आ जाओ बच्चे सब सौ ग्राम पचास ग्राम 25 ग्राम छोटे छोटे <laughs> उनका भी घुटना ला दिया, और ये भी घुटना में ऐसा चिल्लाया मिखायल हाँ? मिखायल एक स्वर का नाम है बाइबल बतलाती है गब जिब्राइल है मिखाइल है रफेल है अलग अलग नाम बाइबल बतलाती है हे मिखाइल मिखाइल लड़ने के लिए परमेश्वर के पास एक सेनापति है बाइबल बतलाती है मिखाइल सुरदूत एक सेनापति है कहीं कहीं जबरदस्त काम करना है वो चले आता है इसने, ए, कहां गया है कहां गया मैं प्रभु के सेवकाई के लिए निकला मेरा घर का देखभाल कर रहा तुम्हारा काम था ना क्या नहीं किया चिल्लाने लगा चिल्लाने लगा उसकी पत्नी कांप रही है बच्चे कांप रहे हैं और कांप रहे हैं दस मिनट के बाद एक आदमी खेला का दान को वहाँ कंधे पर रखे प्रचार साहब बंद कीजिए बंद कीजिए प्रचार बंद कर मार मिल रहा मार मिल रहा मार मिल रहा आके सामने रखे बोले माफी माफ कीजिएगा आपके घर का खेला का मुझे छूना नहीं था मुझे खोड़ा लग रहा है कोई पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा कौन खोड़ा लगाया ने खोड़ा लगा के और, और वो खेला का दान के साथ उसके घर पहुंचा दिया तब कहने लगा आइंद होने पाए मिखायल जब मैं प्रभु के काम के लिए जाऊंगा तुम इधर उधर सोने के लिए चले ना जाना मेरा घर का पहरा देना हू यहा उसी ढंग से मैंने अपने किताब में भी इसको लिखा है जब मैं बिहार चले आया था मैं इसका याद दिलाने के लिए चाहता हूं क्योंकि कई क्यों 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 नए लोगों को देख रहा हूं आपको उत्साहित करने के लिए इसको अनुभव कर सकते हैं करके मैं आपको बता तो मैं हिंदी नहीं जानता था एक शब्द हिंदी नहीं कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन में उतरा वहां से सियालदा जाना पड़ता और एक टैक्सी में से मैं सियालदा चला गया पहले बार आने के चलते मेरे पास बहुत सामान रहा दोस्तों को दिया हुआ सामान रहा और सब कुछ मेरे पास था और मैं उसको प्लेटफॉर्म में ले जाने के लिए एक कूली को लगा दिया खुली तो आके ले गया हिंदी नहीं जानता था कुछ पैसा दे दिया अभी मुझे बड़ी भूख लग रही थी खाना खाने के मन सियालडा एक्सप्रेस धरना था साढ़े ग्यारह बजे गाड़ी थी और साढ़े ग्यारह बजे तक गया नहीं तो मैंने सोचा गाड़ी में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि रिजर्वेशन भी नहीं था वहां से डिग्री आन पहुंचना था अब मैंने सोचा मेरा सामान कौन देखेगा तो मैं वहाँ एक रेलवे का कर्मचारी वहाँ जा रहा था यूनिफॉर्म में मैंने उससे पूछा ये सामान रखने का कमरा है यहाँ क्लॉक रूम है वो एक ही शब्द को समझा क्लॉक रूम उसने कहा है नहीं यहाँ यहाँ है नहीं बस खा के खाया था मुया मुझे ये मालूम हो गया है। सामान रखने के लिए यहाँ जगह नहीं है जगह सुरक्षा के साथ रख सके सवेरे सात बजे था तो इसलिए मैंने सोचा अभी साढ़े ग्यारह बजे गाड़ी आएगी क्या करेंगे करके मैंने सामानों को रखा लेकिन मुझे मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मामन प्रचार की कहानी को मुझे याद दिलाया ओहो हो सो दूध को क्यों नहीं बुलाएं मैंने कहा है प्रभु अपना दूध को यहाँ बेच दिए वो मेरा सामान का रक्षा रखवाली करें मैं खाने के लिए जा रहा मैं चला गया सियालडा स्टेशन में सामानों को रख के मैं बाहर चला गया वहाँ जाके नाश्ता किया वहाँ जाके कुछ पढ़ने के लिए किताबें ली और तब तक मैं एक डेढ़ घंटा हो गया मैं फिर आके वहां देख रहा हूं मेरा सामान को कोई छू नहीं लिया कलकत्ता स्टेशन पे सारे सामान को बीच प्लेटफॉर्म में रख के मैं चला गया क्योंकि मैंने सुर दूध को काम में लाया बगल वाला का हाथ पकड़ के बोले आपका प्रार्थना ये हथियार है वो राजा को छू सकता है सेवकों को छू सकता है सिपाहियों को छू सकता है बंद किए हुए किवाड़ को खुल सकता है वो सुर को खाम में लाने के लिए उसको खाम में लाने के लिए परमेश्वर आपके हाथ में 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 हथियार दिया है हम उस हथियार को इस्तेमाल करेंगे करने करने वाले अपना दोनों हाथों को उठा के हे प्रभु हमें सहायता कर उस हथियार को भूल ना पाए ये प्रार्थना का हथियार जो प्रभु सेवा ठगलने के लिए रखी हुई सुरदूतों को भी काम में लाने के लिए ताकत रखता है उस प्रार्थना का जीवन मेरे जीवन में मेरे खलिसिया से मेरे घर में से कभी मिटने ना पाए मैं आपको वचन के आधार पर विश्वास दिलाने के लिए चाहता हूं प्रभु का वचन सच है प्रभु का वचन में लिखा है आपके लिए सेवा टकलने के लिए एक बहुत बड़ी सेना आपके लिए इंतजार कर रहा है लेकिन जब तक आप प्रार्थना में इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होंगे अपने कलिसिया में यहाँ से जाने के बाद केवल यहाँ हल्ला करके अल्लिया बोल दिया लेकिन घर में भी जाके घर के ऊपर या बाहर किसी पेड़ के तले या कहीं भी अपने लोगों को जुटा करके दस लोग हो कोई बात नहीं अच्छा से प्रार्थना करके सेवक आई में हल हलू या की सेवा भी साथ मिलने के लिए उनकी मदद भी मिलने के लिए आपको कार्य करने के लिए प्रभु आपको प्रार्थना का खला को सिखा रहा है थाली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें कल मैंने कहा था आपके होंट में अधिकार दिया है आपके होंट में पवित्र आत्मा आके आपका अन्य अन्य भाषा को डालता है जिसके चलते अब सैथान की सारी युक्तियों को वो पहचानने के लिए कोशिश करता आपकी युक्ति को वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बोलता है किसी मनुष्य से नहीं किसी शत्रु की आत्मा से नहीं परमेश्वर से बोलता है खड़े हो जाएंगे